हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आइडियल पब्लिक स्कूल एंड दिस इज मी सृष्टि चौबे। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्लास सिक्स का साइंस पार्ट फर्स्ट देखा था और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में स्टडी करी थी कि फूड क्या होता है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और सोर्सेस ऑफ फूड क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल्स के कौन कौन से पार्ट हम एज अ फूड यूज़ करते हैं एंड इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में जो कि उसी चैप्टर का पार्ट टू है, इसमें हम लोग उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिबल पार्ट्स। एडिबल पार्ट्स क्या होता है बच्चों? की भोजन का या प्लांट्स और एनिमल्स का ऐसा पार्ट जिन्हें हम एज अ फूड यूज करते हैं, जो खाने लायक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडिबल पार्ट। अब आप लोग ये तो जानते होंगे कि इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, प्लांट्स और एनिमल पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें सभी चीजें तो खाने लायक होती नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि हम लोग प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट, जैसे लीव्स हो गया, उसे हम खाते हैं। लीव्स में क्या आता है? स्पिनच आता है। तो क्या इस वर्ल्ड में जितनी भी लीव्स हैं, क्या वो सब खाने लायक होती हैं? नो, सम लीव्स आर पॉइजनस। कुछ लीव्स, कुछ पत्ते क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। तो सारे पत्ते खाने लायक तो होते नहीं है। तो एडिबल पार्ट से मतलब है कि ऐसे प्लांट पार्ट या ऐसे एनिमल पार्ट जो खाने लायक होते हैं, जो खाने योग्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडिबल पार्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्राउटेड सीड्स। अब देखिए, स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है? स्प्राउटेड सीड्स मींस, इसे हिंदी में कहते हैं अंकुरित बीज। आप लोग जनरली कभी कभी अपने घरों में देखते होंगे कि अगर चना वगैरह मम्मी ने भे करके रखा है तो कुछ दिन बाद क्या होता है, अगर आप उसे खाना भूल जाओ या दो तीन दिन के लिए उसे लीव कर दो, तो आफ्टर सम टाइम उस चने के नीचे से कुछ व्हाइट लाइक स्ट्रक्चर, सम रूट लाइक स्ट्रक्चर उसमें से ग्रोन होने लगते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्प्राउटेड सीड्स। मींस व्हेन द व्हाइट टाइनी रूट लाइक स्ट्रक्चर इज ग्रोन आउट फ्रॉम सीड्स, इट इज कॉल्ड एज स्प्राउटेड सीड। मतलब जब छोटे छोटे व्हाइट लाइक टाइनी स्ट्रक्चर जो जड़ की तरह होते हैं, लाइक एज रूट, जब वो बीजों में से बाहर आने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्प्राउटेड सीड्स, मींस अंकुरित बीज। मैं इसको यहां लिख देती हूं कि व्हेन व्हाइट स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर इज ग्रोन आउट फ्रॉम सीड्स, उसे हम क्या कहते हैं? स्प्राउटेड सीड। अंडरस्टैंड? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और वो क्या है कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। यस, एनिमल्स क्या क्या खाते हैं? तो देखिए, एनिमल्स तो बहुत सारे एनिमल्स इस वर्ल्ड में ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास प्रोडक्ट खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, फ्लैश मीन्स मांस खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो अपना शिकार खुद ना करके दूसरों के शिकार को खाते हैं, सड़ी गली चीजें खाते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, मीन्स ग्रास प्रोडक्ट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। देखिए, एनिमल्स को मेनली तो थ्री कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, बट मैं आपको टोटल फाइव बता रही हूं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्केवेंजर एंड पैरासाइट। ओके, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बीवोरस एनिमल्स मींस ऐसे एनिमल्स
जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास प्रोडक्ट खाते हैं, मींस फ्लैश बिल्कुल नहीं खाते हैं, सिर्फ घास वगैरह यही सब खाएंगे, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, बफलो हो गया, ये सब मांस तो खाते नहीं है, ऑनली ग्रास प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट से मिलने वाली चीजों को खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? हर्बिवोर। ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, हम इसे लिख सकते हैं ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन होते हैं? ऐसे एनिमल जो प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, अपना शिकार करते हैं उसे ही खाते हैं। अब लॉयन को जाकर के रोटी खिलाओगे तो वो तो खाएगा नहीं ना, लॉयन सिर्फ और सिर्फ क्या खाता है? फ्लैश, मीट खाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस। तो ईट ओनली फ्लैश, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस। नेक्स्ट आता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मींस ऐसे एनिमल जो दोनों खाते हैं, मींस प्लांट प्रोडक्ट भी खाएंगे एंड फ्लैश भी खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट? डॉग। डॉग क्या होता है? दोनों खाता है, प्लांट प्रोडक्ट एंड फ्लैश। तो ईट बोथ, इसे हम लिख सकते हैं ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आता है स्केवेंजर। देखिए स्केवेंजर क्या होते हैं? ये डेड एंड डेकिंग मैटर को खाते हैं, ये अपना शिकार खुद नहीं करते हैं, ये दूसरों के द्वारा किए गए शिकार को खाते हैं। जैसे क्रो हो गया, क्रो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्केवेंजर। ये शिकार करता है, बट क्या होता है कि कुछ जो बचा हुआ शिकार रहता है उसे भी आकर के ये क्या करता है? खा लेता है। इसके वेंजर की अगर मैं बात करूं तो इसके वेंजर का हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करते हैं? ये सड़ी गली चीजों को, डेड एंड डेकिंग मैटर को खा करके हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? साफ कर देते हैं। जैसे ईगल हुआ, कहीं पर भी कुछ सड़ी गली चीजें हैं, अब उसे कोई जा तो रहा नहीं है उठाने, तो अगर हमारे इन्वायरमेंट में ईगल प्रेजेंट है, वो उस सड़ी गली चीज, सड़े हुए मांस वगैरह के टुकड़ों को खा करके हमारे सोसाइटी को, हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। तो स्केवेंजर एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, या फिर कह लो हमारे वर्ल्ड में। देयर इज अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ स्केवेंजर एनिमल। ये डेड एंड डेकिंग मैटर को खाते हैं, मीन सड़ी गली मरी हुई चीजों को ये खाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट किसी का शिकार नहीं करते, ये दूसरे लिविंग बींग्स पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। जैसे मच्छर हो गया, मच्छर अपना न्यूट्रिशन हमसे लेता है, हमें काटता है। जू हो गया, जू जो हो गया बाल में होते हैं, हेयर्स में, वो न्यूट्रिशन ह्यूमन से लेता है, मतलब लिविंग बींग से लेता है। तो कहने का मतलब ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किसी अदर लिविंग बींग से लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल मस्किटो एंड लीच। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। अब एक और बात कर लेते हैं हम लोग फूड चेन की। अब ये फूड चेन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक चेन बनाई गई है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि फूड चेन में जैसे सबसे पहले ग्रास है, इसको किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। इसको ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक्स ने। एंड स्नेक को किसने खा लिया? ईगल ने। तो मींस ये एक चेन है ना, कि ग्रास को ग्रास हॉपर, ग्रास इज ईटन बाय ग्रास हॉपर इज ईटन बाय फ्रॉग, एंड फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक, एंड स्नेक इज ईटन बाय ईगल। दिस चेन इज नोन एज फूड चेन। इसी चेन को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। अगर इसमें से किसी एक चीज को भी हटा दो तो ये फूड चेन कंप्लीट हो पाएगा? नहीं, सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस एनवायरमेंट में हर एक चीज का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो छोटा सा इंसेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा एनिमल ही क्यों ना हो, हर एक ऑर्गेनिज्म का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके,
तो इसी चेन को हम क्या कहते हैं, फूड चेन। अगर इसमें से हम कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हटा देंगे तो ये पूरा फूड चेन डिसबैलेंस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आज के लिए इतना ही, जो कि आज हमारा ये चैप्टर हो गया है फिनिश। आप लोग क्या करोगे, इस चैप्टर के पार्ट वन के वीडियो को और पार्ट टू जो कि आज हम लोगों ने देखा पढ़ा, आप लोग इन दोनों वीडियोस को देखोगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको आपके सभी क्वेश्चन का आंसर 100% डेफिनेटली दिया जाएगा। और आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नेक्स्ट वीडियो भी बनाया जाएगा, जिससे कि आपके वो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए। ओके, तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू।